सो ये है हमारी मूवी की नाइशा कैरेक्टर, ये नहीं ये वाली, यही वो लड़की है दोस्तों जो मेरे सपने में आकर मुझे परेशान किया करती थी, जिसकी वजह से मुझे इतने बड़े मिशन में आना पड़ा था। आज दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बिहाइंड द सीन्स हमारे आउटलास्ट मूवी के। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 4 दिसंबर और कल रात इतना खतरनाक तूफान आया था मेरे वहाँ, सारे पत्ते मेरी गाड़ी में आ गई चिपक गए। कल ही मैंने गाड़ी धुलवाई थी यार, और आज दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली गाड़ी मेरी बन चुकी है। चलो एक बार अंदर चलकर देखते हैं कैसे लग रही है गाड़ी। अब इन पत्तों को वाइपर से हटाने की कोशिश करता हूँ एक बार। वाह मोदी जी, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। मोदी जी के कह रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों वाइपर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें, एक काम करते हैं अब ऐसे ही चलते हैं। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ शूटिंग वाली लोकेशन पर, लेके चलता हूँ आप लोगों को, वहाँ मिलवाता हूँ सबसे। और लोगों का तो ऐसा रिएक्शन आ रहा है ना दोस्तों मेरी गाड़ी पे, कह रहे हैं भाई ये प्राणी कौन आ गया, ऐसी गाड़ी कौन चला रहा है, शर्म सी आ रही मुझे तो अब चलाने में। ओके तो अभी हम लोग शूटिंग लोकेशन पर पहुँच गए हैं, और ये सामने है डायरेक्टर लोगों की टीम, दिल्ली से आ गई है, और ये हमारी टीम है लाइन प्रोड्यूसर्स, और ये पहुंच गए हमारे धीरज भाई भी सीधे उत्तराखंड बेंगलोर से। और वहाँ पे देखो हमारी एक्ट्रेस ने शायद कैमरा देख लिया, रफ्तार पकड़ ली गई है। अब इनसे पूछते हैं इनकी फोटो में हार चढ़ाने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में। कैसा लग रहा है खुद की फोटो में अभी थोड़ी देर में माला चढ़ाने वाले हैं, कैसा? नहीं ऐसा मुझे कुछ भी अच्छा ही लग रहा है, तो नॉर्मल है। दोस्तों बाहर हो गई है रात, यानी कि अब होगा हमारा शूटिंग टाइम शुरू। और अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे मेकअप, पिछले 10 सालों से मैं सोया नहीं हूँ, कुछ ऐसा मेकअप मुझे देना है। लेकिन यार बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, देखो ऐसा कुछ लुक आ रहा है लेकिन बाहर आ गई है बारिश, अब वेट करते हैं। कब तक पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ जल्दी खत्म हो जाए बारिश। दिनेश भाई बारिश रुका हुआ है, बारिश मतलब कुछ शुभ काम करने से पहले ना बारिश होती है। अच्छा तो दोस्तों अभी तो आ गई है बारिश, हमारी शूटिंग शुरू ही होने वाली थी बस, अब हम सब लोग यहाँ पे देखो वेट ही कर रहे हैं कब बारिश रुके और कब हम लोग जलवा बिखेरना शुरू करें, वरना दिन में तो इतना सुहावना मौसम हो रहा था ये देखो। वैसे गाइस गैस करो ये वाली लोकेशन कौन सी है, आप लोग पहचान पा रहे हो? ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैं भागता हूँ अपने विलन से और अंदर जाके छिप जाता हूँ ऑडिटोरियम पे। चलिए आपको अंदर से चलकर दिखाता हूँ कि वो कैसा दिख रहा था, शायद आपको अंधेरे में उतना ना दिखाओ। यहीं पे आके मैं छिप गया था और मारा था एक रिवेंज हमारे काउंसलर पे। सो भी गाइस हम लोग ले रहे हैं वीडियो के स्टार्टिंग वाला सीन, आओ देखते हैं। जरा इनको पहचानो गाइस, ये कौन है? काउंसलर जी आप इतने खतरनाक क्यों? मैं यार क्या करूं, हालात ने मुझे खतरनाक बना दिया। अच्छा ये तो डायलॉग भी खतरनाक मार रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन बाय यूके अथॉरिटीज रिवील सुसाइड और मर्डर, तो बताओ आपका सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ? ये तो आप मुझे सॉल्व कर दिया है, बट हमें आज रात को सूट निपटाना है। निपटाना क्या है, बहुत अच्छा मतलब है, बहुत मेहनत कर रही है और लगे पड़े हैं। हो जाए फिर एक बार डांस के मूव हो जाए, हो ही जाए। सो यहाँ पर अभी हम लोग गाइस सेटअप कर रहे हैं हमारा वो वाला सीन जहाँ पर मैं गार्ड से छिपके बाथरूम में छिप जाता हूँ ना, वही वाला सीन यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पर देखो ये वही अलमारी है जहाँ पर मुझे एक मेमोरी कार्ड और कन्फेशंस मिले थे नाइसा कैरेक्टर के। आज डे 2 शुरू हो चुका है और देखो यहाँ पे निशान बना रहे हैं क्योंकि हमारी मूवी के एक सीन पे हमको चोट लगी थी विलन से। बाप रे। ऑलराइट गाइस, सो इट्स डे 3 और आज है फाइनल डे, अभी मेकअप चल रहा है। और देखो आज तो हमारे एक्स एक्टर भी आए। दोस्तों मेरा फोन आ गया। ऐसा क्यों कह रही हो? अब देखो इतने ठंडे में हम लोग शूट कर रहे हैं रात को, तो बीच में थोड़े एनर्जी के लिए चाहिए ना चाय, भाई चाय, मैगी, अंडा, जिसको जो खाना है। आज जब से आए इनका एक ही काम है, यहीं पे मिल रहे हैं लोग ना, रात भर खाने के लिए आओ क्या तुम लोग? यानी कि थोड़े इतने ठंडे में अपने दोस्त को मोटिवेट करें, कुछ करें, मतलब ही नहीं है। वैसे ये मूवी में काफ़ी सारे सीन्स थे, बट पर्सनली जो मुझे सबसे हार्ड सीन लग रहा था उस वक्त वो ये वाला था जिसमें मुझे ज़मीन में रगोड़ा जा रहा था। अब आपको पता है यार उत्तराखंड में इतनी ठंड होती है खासकर रात के टाइम पे, इसको ऊपर से मैं फर्श पर लेटा हुआ और इतने सारे टेक्स हमने दिए थे इसके,
सो ये वाला पार्ट मुझे बहुत मुश्किल लगा था। सो गाइस शूट कर रहे थे और चोट लग गई, बताओ। मैं तो पहले ही बोल रहा था मेरी चाय मत पी। अब क्या करूँ यार, ठंडी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने इनके हिस्से की चाय पी थी। जो पावर बैंक फेंक के मारा सीधे यहाँ लगा मेरे को। अरे वाह। वैसे गाइस इस बार मैं ज्यादा बिहाइंड द सीन्स तो नहीं बना पाया क्योंकि सारा हमारा रात का ही शूट था, दिन में सो रहे थे रात को शूटिंग कर रहे थे, जिस वजह से इस बार मैं आप लोगों के लिए ज्यादा व्लॉग तो नहीं बना पाया। फिलहाल तो सब लोग शूटिंग निपटा के चले गए होटल को, लेकिन हमारी गाड़ी का हो गया टायर पंचर। अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि इनमें से किसी को भी बनाना आता नहीं है, तो लगे हैं थोड़ी कोशिश में। इतनी रात को मैकेनिक भी कहाँ से मिलेगा। बाकी हमारी आउटलास्ट मूवी में आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। इस बार तो हमने एक सीरियस मूवी टाइप की बनाई थी जिसमें एक मैसेज हमको डिलीवर करना था जो हमने अपनी स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट किया। और अब तो नेक्स्ट टाइम से गाइस फुल एंटरटेनिंग वीडियोज आपको मिलने वाली है। प्लान्स तो दिमाग में बहुत सारे हैं अभी, अब बस देखने वाली बात यह कि कितनों को मैं रियल लाइफ में ला पाता हूँ। फिलहाल तो आई होप आपको ये छोटी सी बिहाइंड दी सीन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। सो इट्स 3 AM और अब हो चुका है सारा शूट कंप्लीट। राहत की सांस मिली दोस्तों, सारे शॉट निपटा लिए हैं। सो गाइस इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया, सोचा आप लोगों को कुछ नया दिखाते हैं और आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसी कुछ नई नई चीज़ें आप लोग को आगे भी दिखाएँ, कमेंट करके बताएँ। आज कुछ इस बार दोस्तों कुछ नई नई चीजें आप लोग को आगे भी दिखाएं, तो प्लीज।